तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर भी आप तमाम कहानियां सुन सकते हैं, अपने मनपसंद की कहानियां। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर पूरी जानकारी है। तो आपको जो शौक़ हो, आपकी जो मनपसंद की कहानियाँ हो वो सुने, और ऐसी तमाम कहानियों में गोरखा रेजिमेंट की कहानी भी आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। तो जाइए और वहाँ अपने पसंद की भी कहानियाँ सुनिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। टीज़र में एक लाइन लिखी थी, आपने पढ़ा होगा कि इस कहानी के आगे बुराड़ी की कहानी भी कोई कहानी नहीं है। बुराड़ी आपको याद होगा, दिल्ली का एक इलाका जहाँ एक ही परिवार के 11 लोगों की लाश मिली थी, और कहानी यही थी कि उसमें से 10 का कत्ल हुआ, एक ने मारा, लेकिन वो किसी प्रभाव में था और अंधविश्वास कि उस पूरे परिवार को किसी से मिलना है, उनके पिताजी से, और उसके लिए मरना ज़रूरी है। और इस तरीके से ये मौत हुई जिसने पूरे देश को एक तरह से दहला दिया था। अब मैंने क्यों कहा कि आज की कहानी बुराड़ी से भी कहीं ज़्यादा आगे की कहानी है, ये आप जब आप कहानी सुनेंगे तो खुद फैसला कीजिएगा। बात आज से ठीक करीब 52 साल पुरानी है, 52 years back, 1970। तारीख थी 22 दिसंबर 1970। स्पेन में एक जगह है सांता क्रूज। इस सांता क्रूज इलाके में स्पेन में एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, इनका नाम था डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर। डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर अपने इलाके में काफ़ी पॉपुलर थे और उनके घर की लोगों की इज्जत भी थी। 22 दिसंबर 1970 दिन का वक्त था, अचानक डॉक्टर ट्रैंकलर के घर की दरवाजे की घंटी बजी। उस वक्त उनके घर में एक मेड थी और बाकी वाइफ बाहर गई हुई थी और कोई था नहीं। तो मेड थी एक 15 साल की जिसका नाम था सबीने, वो किचन में काम कर रही थी। बेल की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर ने कहा कि चलो मैं ही दरवाज़ा खोल देता हूँ। वो जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे के बाहर दो लोग खड़े हुए थे। दोनों का हुलिया देखकर डॉक्टर साहब थोड़े से चौंकते भी, अजीब भी लगता है। दोनों के जूते पे लगभग कीचड़ जैसा निशान, हाथ भी उनके थोड़े गंदे हो रहे थे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सामने वाले दोनों ने कहा कि, एक ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक, और हमारी बेटी आपके घर पे काम करती है, हम उससे मिलने आए हैं, यानी सबानी सबीने। अब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों सबीने के बाप और भाई हैं। डॉक्टर ट्रैंकलर ने कहा ठीक है। अब ये भी देख रहे हैं कि दोनों के जूते गंदे हो रहे हैं, उस पर कीचड़ लगा हुआ, घर के अंदर बुलाऊँ घर ख़राब हो जाए, तो इसलिए उन्होंने आवाज़ दी सबीने को और वो वहीं खड़े हुए थे। सबीने आती है, आने के बाद अपने बाप और भाई से मिलती है। अब डॉक्टर साहब ये भी चाहते थे कि इन फैमिली की प्राइवेट बातचीत हो वो ना सुने, लेकिन उन्हें कुछ डाउट हो रहा था कि एक बाप और भाई अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके घर पर आया और इस हाल में कि जूते भी साफ़ नहीं किए, कीचड़ लगा हुआ, हाथ भी गंदे हैं, तो ऐसी क्या बात होगी कि जो इस हालत में, इस सूरत में उनके घर आया अपनी बेटी से मिलने। ये सोचकर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी और वो थोड़ी दूरी पर चले गए, एक दीवार की आड़ में खड़े हो गए, ये जानने के लिए कि ये दोनों जो उनके घर में मेड है काम करती है उससे क्या बात करने के लिए आए। इसके बाद जो अगली लाइन सुनी डॉक्टर ने, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक पल को उनका हार्ट बीट जो है वो पता नहीं कितनी तेज़ी से भागने लगा। जो उनके कानों तक आवाज़ आई वो आवाज़ ये थी कि जो फादर अपनी बेटी से कह रहा है, सबीने जो उनके घर में काम करती है, कि हम लोग जस्ट तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनों को मार कर आ रहे हैं, यानी तीन कत्ल करके आ रहे हैं। अब जब डॉक्टर ट्रैंकलर ने ये बात सुनी तो हवा ख़राब होने लगा कि ये क्या हो गया है, और अब ये सोच रहे हैं कि वो जिस तरीके से सबीने से कह रहा है बाप कि तुम्हारी माँ और दोनों बहनों को मार कर आ रहे हैं, यानी वो घर में तीन कत्ल करके यहाँ आया है। अब उन्हें है कि पता नहीं क्या होगा, और उससे ज़्यादा उन्हें फिक्र इस बात की है कि इस बात को सुनने के बाद 15 साल की बच्ची सबीने वो क्या रिएक्ट करेगी, वो कहीं बेहोश होकर गिर ना जाए, वो चीखने ना लगे, उसे कोई दौरा ना पड़ जाए, ये डॉक्टर साहब के दिमाग में चल रहा है अभी जब बाप ने ये बात कही। लेकिन अगले ही पल जैसे ही सबीना अपने बाप को पलट कर जो कहती है, वो सुनने के बाद गश खाकर गिरने की बारी डॉक्टर साहब की थी।
वो अपने बाप से ये सुनने के बाद कि तुम्हारी माँ और दोनों बहनों को मार कर आ रहा हूँ, बेटी कहती है कि आपने जो ज़रूरी समझा और जो बेहतर समझा आपने वही किया, इसलिए ठीक है। इसके बाद ये कहकर वो अपने बाप के हाथ को हाथ में लेती है, अपने गाल से उसको चिपकाती है और फिर नॉर्मल, अब तीनों नॉर्मल हैं। और इधर डॉक्टर की हवा ख़राब कि ये क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या देख रहा हूँ कि दो शख्स आता है, वो कहता हम तीन कत्ल करके आ रहे हैं, एक 15 साल की बच्ची है, वो कह रही है जो भी किया आपने ठीक किया, ये माजरा और मामला क्या है। अब इधर डॉक्टर साहब को पहली बार डर भी लग रहा है कि उनके सामने वो दो कातिल खड़े हैं जो अभी अभी तीन कत्ल करके आए हैं, कहीं उन्हें भी ना मार दें। ये सोचते ही सबसे पहले वो अंदर भागते हैं, बेडरूम में अपने आप को बंद करते हैं, दरवाज़ा कुंडी लगाते हैं और जितने भी लॉक थे वो भी लगा लिया। और ये सब करने के बाद पहला काम करते हैं कि पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनके घर में दो शख्स आया जो अभी अभी तीन कत्ल करके आया। अब शांत इलाका, पुलिस ने कहा ठीक है हम पहुँचते हैं, लेकिन इधर हर पल हर मिनट डॉक्टर साहब पे भारी, उन्हें लग रहा कहीं वो लोग अंदर ना आ जाएँ, कहीं उन पर हमला ना कर दें, उन्हें भी ना मार दें, या एक ये भी है कि कहीं वो लोग भाग ना गए हों, चले ना गए हों। ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। खैर कुछ मिनट के बाद पुलिस की टीम डॉक्टर साहब के घर पहुंचती है। अब जब घर आती है तो आवाज़ देती है, डॉक्टर साहब को यकीन हो जाता है कि पुलिस आ गई है, वो सेफ़ है। वो दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, हैरान हो जाते हैं देख कर कि वो दोनों बाप बेटे और सबीना तीनों वहीं मौजूद हैं। अब पुलिस आकर कहती है कि भाई आपने फ़ोन किया? डॉक्टर कहता हाँ मैंने किया। तो उन्होंने कहा आपने बताया कि दो शख्स आपके यहाँ आए और उन्होंने कहा कि तीन कत्ल करके आए, तो ये दो शख्स तो खड़े हुए हैं। तो बोला हाँ। तो बोला क्या बात थी, आप बताओ, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे आप हमारे साथ, या इन दोनों ने तो आपके साथ मजाक नहीं किया? डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये दो लोग आए, घंटी बजी, दरवाज़ा खोला, जो मेड है हमारी वो इनके यहाँ काम करती है हमारे यहाँ, और इन्होंने उससे ये कहा कि हमें भी तुम्हारी माँ और दो बहनों को मारकर आ रहे हैं और ये बच्ची भी कह रही है ठीक किया आपने और मैंने आपको कॉल किया। पर पुलिस ये कह रही है कि आपने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन कातिल ये सब बताने के बाद और पुलिस को देखने के बावजूद भी घर में डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, भाग नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो, ये शायद आपसे मजाक किया हो। खैर पुलिस अब उन दोनों से पूछती है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या ये सच है? अब हैरान होने की बारी पुलिस की थी। अलेक्जेंडर सेम वही लफ्ज़ जो उसने अपनी बेटी से कहा पुलिस से कहता है कि हाँ मैंने अपने अभी भी वाइफ और दो बेटियों को मारा है, बल्कि अभी नहीं कुछ देर पहले, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा रिलीजियस मैटर है, इसमें आप या कानून या पुलिस इसका कोई रोल नहीं है, तो आप इन चीज़ों में दखल ना दें तो बेहतर होगा। अब ये बात पुलिस को और अटपटी लगी, डॉक्टर को भी। खैर पुलिस ने मामले को किसी तरह संभाला, बोला ठीक है हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए कि कहाँ घर कहाँ है आपका? उन्होंने बड़े प्यार से एड्रेस बता दिया। अलेक्जेंडर ने कहा कि हम वहाँ रहते हैं और वहीं तीनों लाश पड़ी है। अब पुलिस की एक टीम घर पे है डॉक्टर के, ये दोनों भी वहीं हैं, और भी पुलिस वालों को बुलाया गया और एक मैसेज दिया गया कि एक फलाना एड्रेस है वहाँ जाकर देखो कि बंदा सच बोल रहा है या नहीं। अब पुलिस की एक टीम अलेक्जेंडर के बताए हुए उस पते पर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों की चीखें निकल जाती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी लाश की ऐसी हालत नहीं देखी थी। बाथरूम में एक लाश और लिविंग रूम में दो लाश, कुल तीन लाश तीन महिलाओं की पड़ी थी। पूरा घर खून से, फ्लोर जो है लाल हो चुका था। और जो सबसे भयानक मंजर था वो ये था कि इन तीन लाशों के जितने भी पार्ट्स थे, अलग अलग शरीर के अंग, वो निकाले जा चुके थे और वो सब दीवारों पर टंगे हुए थे। पुलिस को देखकर यकीनी नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। खैर बड़ा कलेजा मजबूत करके बाकी लोगों को बुलाया गया, सारी बॉडी कलेक्ट की गई और उसे हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद इधर डॉक्टर साहब के घर पर मैसेज आया कि जो बंदा कह रहा है ये सही कह रहा है, और डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर ने जो जान सुना अपने कानों से वो सही था। अब ये सुनने के बाद पुलिस फौरन अलेक्जेंडर फ्रैंक, उसका बेटा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अपने साथ ले जाने लगती है। अब जो 15 साल की मेड है सभी ने, वो रोने लगती है, कहती कि आप इन्हें जहाँ भी ले जा रहे हो मैं भी इनके साथ जाऊँगी, मैं इनसे अलग नहीं रह सकती हूँ। पुलिस के सामने दिक्कत ये कि उसने कोई जुर्म तो किया नहीं है, तो फिर उसे क्यों पकड़ें और कहाँ ले जाएं? लेकिन खैर पुलिस उन लोगों को लेकर जाती है
पहले हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई वो किसी आम इंसान का काम नहीं था, एक मतलब इंसान नाम की चीज़ का ही काम नहीं हो सकता। जिस बेदर्दी और जिस तरीके से कत्ल हुआ और कत्ल के बाद शरीर के अलग अलग अंगों को दीवारों पर टांग दिया गया, तो पुलिस इन दोनों को सबसे पहले हॉस्पिटल ले गई, उसके बाद उनका इलाज हुआ तो पता चला कि दोनों की मेंटल हालत ठीक नहीं है। अब जब रिपोर्ट आई डॉक्टर की तो ये था कि इनके ऊपर ट्रायल तो हो नहीं सकता, मुकदमा चल नहीं सकता दिमागी हालत जब तक ठीक ना हो या फिट ना हो, तो इनको मेंटली असाइलम में, यानी कि जो मानसिक अस्पताल है, चिकित्सालय है, वहाँ भेज दिया गया। और उस लड़की को एक दूसरी जगह, एक हॉस्टल में जो महिलाओं और बच्चियों के लिए था, वहाँ भेज दिया गया। अब सवाल ये था कि ये सब कुछ हुआ क्यों और ये कहानी थी क्या। तो कहानी ये थी कि देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे गुट हैं अलग अलग, जिनका अपना अपना अकीदा, अपना अपना मानना है, अपना अपना यकीन है, अपना विश्वास है। तो कहते हैं कि ऐसे ही एक 1800 में कुछ लोगों के ग्रुप ने एक अपना संगठन बनाया धार्मिक, और 1800 18वीं सदी में, और उसका नाम रखा द लॉर्बर सोसाइटी। इस लॉर्बर सोसाइटी में बहुत लोग नहीं थे, मुश्किल से 100 लोगों का एक गुट था, एक जमात था, और ये एक तरह का रिलीजियस कल्ट था, तो इन्होंने बनाया। अब इनकी जो पूरी सोच थी इस रिलीजियस कल्ट का, वो क्या था, वो ये था कि इनके ग्रुप में जो 100 लोग हैं, बस यही 100 लोग अच्छे लोग हैं, बाकी 100 लोगों के बाहर, इस ग्रुप के बाहर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब शैतान हैं, बुरे हैं, बुरी आत्माएं हैं, और उनसे हमें दूर रहना, उनसे हमें बचकर रहना है, और उनका कुछ नहीं होना है, हम ही लोग हैं जो जन्नत के हकदार हैं। ये इनकी सोच थी। अलग अलग वक्त में इनके लीडर बने। पहले इनका लीडर एक जॉर्ज हुआ करता था, तो जॉर्ज की डेथ के बाद, जॉर्ज के साथ ही जब ये सब कुछ हुआ, तो उसमें अलेक्जेंडर जुड़ा। अलेक्जेंडर जब जुड़ा तो जॉर्ज जिंदा थे, बाद में जॉर्ज की मौत हो गई तो जॉर्ज की जगह पे अब लीडरशिप अलेक्जेंडर को दे दी गई। अब अलेक्जेंडर जो है इस लॉबर सोसाइटी का हेड बन गया, और इसके बाद अब वो चलाने लगा। ये करीब 100 लोगों का ग्रुप, गैंग था ये। अब ये लोग रहते थे जर्मनी में, तब ये शुरुआत हुई थी इसकी जर्मनी से। कुछ वक्त बीता जब इसका अलेक्जेंडर चीफ बना, अलेक्जेंडर का तब तक एक बेटा और बेटियां दो हो चुकी थी, सबीना पैदा नहीं हुई थी, उसके बाद उसको एक और बेटा हुआ, उसने उस दूसरे बेटे का नाम फ्रैंक रखा। लेकिन जैसे ही दूसरा बेटा हुआ, उसकी पैदाइश के दूसरे ही दिन अलेक्जेंडर ने ये ऐलान कर दिया कि अब हमारे ग्रुप को एक नया गॉड मिल गया है, और मेरे बाद जो इस ग्रुप का नया गॉड होगा वो फ्रैंक होगा, यानी मेरा दूसरा बेटा जिसको अभी पैदा हुए 2 दिन हुए। अब चूंकि इस ग्रुप का हेड अभी तक भगवान खुद अलेक्जेंडर बना हुआ था, लोगों ने मान लिया, और साथ में उसने ऐलान किया कि ये जो फ्रैंक है, ये जो हमारा नया गॉड आया है, यही हमें और हमारे ग्रुप को यहाँ से आगे ले जाएगा, और साथ ही हमें मोक्ष दिलाएगा, और यही जो है वो आवर ऑफ किलिंग, यानी हमारी मौत की तारीख, वक्त, जगह तय करेगा, और उसके बाद हम सब जन्नत में होंगे। अब 2 साल का बच्चा फ्रैंक, जो 2 दिन का हुआ, उसको बना दिया गया भगवान करार दे दिया गया गॉड। अब फ्रैंक धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, लेकिन घर वाले और उसके जो 100 लोग ग्रुप्स में शामिल थे इस रिलीजियस कल्ट में, वो उसको एक गॉड की तरह ही ट्रीट करते थे, जैसे उसके और भी भाई बहन थे। लेकिन अगर उसने कोई चीज़ की फरमाइश कर दी तो वो पूरी होनी है, चाहे कैसे भी करो। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में ये गॉड की इच्छा है, गॉड मांग रहा है। तो धीरे धीरे अब फ्रैंक की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी होने लगी, तो वो बिगड़ता भी गया। लेकिन इधर ये है जो अंधविश्वासी की, यही गॉड है हमारा और यही हमें जन्नत तक ले जाएगा। अब धीरे धीरे फ्रैंक बड़ा होना शुरू होता है, लेकिन अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अब जब बड़ा होता है तो अब इनकी इस ग्रुप की एक ख़ास चीज़ ये थी कि जो आपके ग्रुप के लोग हैं उनके अलावा बाहर की दुनिया से आपको कट ऑफ होना है, उनकी दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं। अब फ्रैंक 14-15 साल का हो गया, इस उम्र में ही अब उसे बहुत सारी चीज़ें जो जायज़ नाजायज़ पूरी हो रही थी, अब उसे ये था कि उसको किसी
के साथ संबंध भी बनाना है लड़कियों के साथ। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बाहर की बरादरी में जाकर बना नहीं सकता था क्योंकि वो गॉड है और यहाँ पे और कोई नहीं। तो एक दिन उसने अपने बाप अलेक्जेंडर से ये जिक्र किया तो बाप ने उससे कहा ठीक है तुम गॉड हो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ। घर में तीन महिलाएं थीं, उसकी माँ और दो बहनें, बल्कि तीन बहनें। उसने कहा ठीक है हम इन्हीं के साथ संबंध बनाएंगे। और भगवान मतलब गॉड के नाम पर उस वक्त फ्रैंक ने ऐसा ही किया। उसके बाप ने हामी भरी, उसने अपनी माँ और बहनों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। अब धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस के लोगों तक पहुंची, उन्हें लगा कि ये पता नहीं कौन सा कल्ट है, कौन सा ग्रुप है। तो उन्होंने इसके बाद, इससे पहले कि इन लोगों पर कोई आँच आए, अलेक्जेंडर अपने परिवार और उसके इस मानने वाले लोगों को लेकर जर्मनी से निकल गया और स्पेन पहुंच गया और स्पेन की एक सुनसान घाटी में आकर बस गया। और उसी घाटी के बराबर में ये डॉक्टर ट्रैपलर रहा करते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद भी ये सारी चीज़ें चलती रही। कहते हैं 21 दिसंबर 1970 यानी 22 दिसंबर को इस कत्ल का खुलासा हुआ, उससे एक दिन पहले की बात है। 21 दिसंबर 1970 को शाम को फ्रैंक अपने घर में बैठा हुआ था, अचानक वोट कर आया कमरे में, उसने देखा उसकी माँ लेटी हुई है। उसे अपनी माँ के लेटने का अंदाज पसंद नहीं आया और उसी वक्त उसने अपने पिता अलेक्जेंडर से कहा कि द आवर ऑफ किलिंग आज ही है। अब ये सुनते ही उसका पिता खुश हो गया। अब आवर ऑफ किलिंग में ये था, यहाँ भी भेदभाव देखिए कि पुरुषों का तो अभी कुछ नहीं है, वो तो सीधे जन्नत में जाएंगे। जो महिलाएं हैं उनके अंदर कुछ एविल्स, कुछ बुराइयां हैं, कुछ पाप हैं, तो उनको पहले मारना पड़ेगा ताकि वो सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए और वो सीधे स्वर्ग में और जन्नत में जाए। तो आवर ऑफ किलिंग ये तय होना था उनके गॉड के ज़रिए कि किस दिन और कब। उस दिन फ्रैंक ने अचानक कहा कि आज ही है। अब इसके बाद इसकी कुछ रस्में थे, उसने कहा ठीक है। अब उसमें ये था कि, और ये बात घर की तमाम महिलाओं को पहले से पता था कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आवर ऑफ किलिंग आएगी जिस दिन गॉड चाहेंगे यानी फ्रैंक चाहेगा। और उसने ऐलान कर दिया, उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया। अब ये हुआ कि सबसे पहले माँ आवर ऑफ किलिंग की पहली माँ को लिटाया गया, वो लेटी हाथ दोनों पीछे की तरफ। उसके बाद लोहे के हैंगर और बाकी चीज़ें लेकर आया फ्रैंक और उसने सर पर मारना शुरू किया। अब उसमें एक साथ में ये भी था कि वो जब तक मारता रहेगा तब तक एक दूसरा मेल यानी उसका फादर वो पियानो बजाता रहेगा और पियानो बजाने के साथ ही ये कार्यवाही शुरू होगी। पियानो बजना शुरू हुआ, उसने अपनी माँ को मारना शुरू किया। काफ़ी वक्त लगा, माँ की मौत हो गई। इसके बाद दूसरी बहन की बारी आई, बहन खड़ी थी, उसके हाथ दोनों पीछे थे, उसके सर पर भी उसने उसी तरह मारना शुरू किया जब तक वो मर नहीं गई, पियानो बजता रहा। फिर तीसरी बहन की बारी आई, फिर उसने उसी तरह उनको भी मारा। मारने के बाद फिर तेज धार हथियार से उनके शरीर के अंगों को अलग अलग किया, उनको दीवारों पर टांगा। और ये सब करने के बाद दोनों बाप बेटे रात को फिर वहाँ से निकलते हैं और इनके एक और घर था उस घर के बराबर में ही, वहाँ जाकर इत्मीनान से सो जाते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सुबह उठते हैं, उठने के बाद दोनों इन्हीं डॉक्टर टेपलर के घर पहुँचते हैं जहाँ उनकी एक बहन और बेटी 15 साल की काम कर रही थी। इत्तेफाक से वो उस दिन घर पे नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ काम कर रही थी, वरना इस आवर ऑफ किलिंग में उसकी भी बारी थी। और वो यहाँ जाकर बताते हैं और फिर डॉक्टर साहब पुलिस को बताते हैं और इस तरह पुलिस के ज़रिए ये सारा कत्लेआम सामने आता है। तो अब अलेक्जेंडर और फ्रैंक को पुलिस भेज देती है मानसिक अस्पताल, वहाँ इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। करीब 20 साल गुजर जाते हैं, 20 साल तक ये उसी जगह पर रहते हैं। 20 साल के बाद अचानक एक रोज़ दोनों बाप बेटे उस अस्पताल से भाग जाते हैं। ये बात है 1990 की, यानी आज से करीब 32 साल पुरानी। तो दोनों वहाँ से भाग गए 1990 में, ये दोनों भागे। उसके बाद कहाँ गए ये आज तक पता नहीं, जिंदा भी हैं नहीं मालूम, लेकिन 1990 में ये दोनों भाग गए थे इस क्राइम के बाद 20 साल के बाद और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब वक्त को भी देखें और उम्र को भी देखें तो लगता तो नहीं है कि अलेक्जेंडर शायद ज़िंदा हो, लेकिन फ्रैंक हो सकता है और उसकी बहन भी किसी गुमनाम जगह पर है। उसके बाद से फिर इस रिलीजियस कल्ट का नाम कभी सुनने को नहीं आया।
तो बुराड़ी में घर के मुखिया यानी कि जो उनके पिता थे, उनसे स्वर्ग में मिलने के लिए एक बेटे ने ये पूरा सब कुछ किया और बाकी अपने परिवार की जान ली। यहाँ अपने ही घर में पैदा हुए एक बच्चे को पहले गॉड बनाया और फिर जन्नत जाने की तारीख फिक्स की, फिर आवर ऑफ किलिंग का तय किया और फिर पियानो बजाने के साथ साथ अपने घर के 3 लोगों का कत्ल किया और उसके बाद ये सारी कहानी सामने आई। और यहाँ पर भी उनकी जो दिमागी हालत थी, तमाम डॉक्टरों ने जो चेक किया वो कहीं से भी फिट नहीं थे। तो अंधविश्वास की ये भी एक अजीब कहानी थी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मुरारी ठाकुर साहब, तो मुरारी ठाकुर साहब का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुरारी साहब। और रोहित बरजातिया जी ने भेजा है। इसके अलावा अभिनाश भारती, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अभिनाश। और शशि शेखर ने भेजा है। सुमित, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुमित साहब। और अरबाज कुरैशी ने भेजा है। इसके अलावा कनिष्का शर्मा, हैप्पी बर्थडे कनिष्का। साईराज, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे साईराज। और कल्पना सोलंके ने भेजा है पुणे से। साथ ही एफ ए नंद सर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नंद साहब। और उत्तर प्रधान पुष्पेंद्र, निम्मी और नन्हा ने भेजा है। साथ ही सानिया का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सानिया। और प्रतीक, निधि और विहान ने भेजा है। इसके अलावा प्रशांत झा जी ने कहानी की फरमाइश की है। बबीता अकुपोइल बेंगलोर से, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही रजत भारद्वाज ने भी की है। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मोहित, आप दोनों का थैंक यू, शुक्रिया दिल से। इसके अलावा बबलू शेख, और इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। अभिषेक कपूर, थैंक यू सो मच। राजीव प्रजापति जी, इसके अलावा मनोज बी खाकड़े, एक कहानी की फरमाइश की है। आकाश सिंह, इन्होंने भी और एक कहानी की फरमाइश की है शायद। विनय शर्मा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। संत राम मीना जी ने भी की है। इसके अलावा गोविंद सहाय गुप्ता हैं। इसके अलावा जवाहर चौबे जी, इन्होंने कहा कई बार आप लोगों के नाम बहुत गलत लेते हैं, उनके हाँ में कई बार मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, सरनेम कई बार समझ में नहीं आता और कई बार हो जाता है, इंसान ही हूँ पर कोशिश करता हूँ सही सही उच्चारण करूँ। मोहम्मद खालिद, थैंक यू सो मच, आगरा से हैं ये। इसके अलावा कीर्ति चौकियाल, एक कहानी की फरमाइश की है। और धर्मू चौधरी, धर्मू चौधरी साहब ने बाकायदा एक मेल लिखा, उन्होंने कहा कि आप नाम में कई लोगों के नाम अविश करते हैं, तो किसी के आगे साहब लगाते हैं, किसी के आगे नहीं लगाते हैं, तो इन्होंने पूछा कुछ खास वजह है किसी के आगे साहब लगाने और नहीं। तो धर्मू साहब, कोई ख़ास वजह नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है, पता नहीं कब किसके लिए कहाँ से साहब आ जाता है, किसी के लिए जी आ जाता है, किसी के लिए जी भी हट जाता है, तो ये बस धारा प्रवाह अपने आप निकलता है। कुछ सोच समझ कर नहीं बोलता हूँ कि आज मुझे किन्हें साहब बुलाना है किन्हें नहीं बुलाना है, वैसे मेरे लिए आप सभी साहब हैं। पर बहुत सारे लोग जो मेल करते हैं वो बता देते हैं कि उनका आज ये 10th बर्थडे है, 18th बर्थडे है, तो बहुत फिर मुझे लगता है कि बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनके आगे मैं बेशक जी और वो नहीं लगाता हूँ, पर जहाँ लगता है कि कुछ बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं तो वहाँ थोड़ा आपको सम्मान और इज्जत देने के लिए भी आपको लगाना पड़ता है। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।